राहुल गांधी के संसद से सदस्यता खत्म किए जाने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा गांधी पर आज एक दिवसीय सत्याग्रह पर बैठे कांग्रेसी नेता है, जिसमें राहुल गांधी के द्वारा अपने भाषण में कहा गया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिस पर राहुल गांधी को 1 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया, परंतु संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई, जिसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा बिलासपुर शहर में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बताया गया कि केंद्र के द्वारा लगातार विपक्षी नेताओं का आवाज दबाया जा रहा है। किसी को ईडी का डर दिखाया जाता है, तो किसी को सीबीआई का डर दिखाया जाता है, तो किसी को जेल भेज दिया जाता है। कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी के द्वारा लगातार अदानी मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा गया, जिसका जवाब मोदी के द्वारा नहीं दिया गया, और उल्टा राहुल गांधी पर षड्यंत्र कर उनकी संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई, जिसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा पूरे देश भर में पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज ये वास्तव में धरना नहीं, सत्याग्रह है। राहुल जी को ना तो संसद में बोलने दिया गया, ना संसद के बाहर बोलने की अनुमति। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तानाशाही का परिचय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में दे रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के बनाए हुए संपत्तियों को अडानी अंबानी जैसे लोगों से बेच रही है, उसके विरुद्ध में संसद में लगातार आवाज़ उठाना चाहते हैं राहुल गांधी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से अडानी के शेयर गिरे और जिस तरह के भ्रष्टाचार प्रमाणित हुए, 20 लाख करोड़ रुपए का जो हिसाब है फर्जी कंपनियों के माध्यम से, जिसको सेल कंपनी हम कहते हैं, उसके माध्यम से आज तक के दिया नहीं गया, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं राहुल जी, उनको भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद कानून का सहारा लेते हुए उनका जिस तरीके से संसद में सदस्यता समाप्त की गई, वो एक तरह से तानाशाही का परिचय है और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसके विरोध में हम सब कांग्रेस के लोग न केवल बिलासपुर में बल्कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश में और देश भर के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह का कार्यक्रम जारी है, जो 5 बजे शाम तक के हमारा चलेगा, और हम सब कांग्रेस के लोग और राहुल जी के साथ इस घड़ी में हम लोग उनके साथ खड़े हैं कदम से कदम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे देश में एक दिवसीय सत्याग्रह धरना किया जा रहा है। आज हमारे सभी कांग्रेस के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी विधायकगण, संसदीय सचिव, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महापौर, सभी नगर निगम पार्षद, एल्डरमैन, हमारी महिला कांग्रेस, हमारे युवक कांग्रेस, सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण, वरिष्ठ नेतागण सब आज इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अगर देश की जनता के लिए आवाज़ उठाई, राहुल गांधी जी ने अगर देश की गाड़ी कमाई से पैदा किया हुआ पैसा जो है उसको अगर कुछ लोग, भगौड़े लोग लेकर गए हैं हुए, उसका अगर वो विरोध कर रहे हैं तो इसमें वो क्या गलत कर रहे हैं। वो तो देश हित, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको सदस्यता समाप्त की जा रही है, इसका मतलब लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है बार बार देश में। राहुल गांधी जी को माइक बंद कर दिया जाता है, संसद में बोलने नहीं दिया था, अब सदस्यता भी समाप्त कर दी, इसका मतलब इस प्रकार से लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, इसका विरोध आज हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।